अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? किसी आटम का इलेक्ट्रॉन को लेना का चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यही बात हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो देखो, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, द एलिमेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ईजिली एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। देखो, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई होगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये कौन से होंगे? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होंगे। देखो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। और बात किसका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव। दे कैन इजिली फॉर्म एनायंस। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन का फॉर्मेशन करता है, एंड आयनिक कंपाउंड। एनायन का फॉर्मेशन करेगा, किसी कैटायन के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, द एलिमेंट्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, मिला जुला के सब वही बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन लेने का। कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को लेके खुद का रिडक्शन करेगा। जैसे बात करें हैलोजन्स की, हैलोजन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सॉरी सॉरी हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो गए, खुद को क्या कर लिए, रिड्यूस कर लिए, मतलब खुद क्या बन गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गए। ठीक है, तो पॉइंट को नोट करो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिव एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आटम्स। देखो, किसी भी एलिमेंट, दो एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को रिलेटिव, मतलब कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वो जो बॉन्ड बनाएंगे दोनों एलिमेंट, वो आयनिक बनाएंगे कि कोवेलेंट बनाएंगे। जैसे बात करें, अगर कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट है, पहले का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो का मतलब, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी आटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब किसी आटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ रहा है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हम हल्का सा एनर्जी दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। और दूसरा क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत बहुत ज्यादा है, तो वो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब ये दोनों आएंगे सराउंडिंग में एक दूसरे के, तो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्लियर हो गया। अगर दूसरे केस की बात करें, अगर कोई एक आटम है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है और कोई दूसरा आटम है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, आटम से मतलब दो अलग अलग एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। ठीक है, तो देखो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है तब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, जल्दी तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। देखो, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो ये क्या करेंगे, इसके वजह से, जैसे एग्जांपल के कोई भी एग्जांपल ले लो कोवेलेंट कंपाउंड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, और क्या लोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी ले लो, F2O ले लो, कुछ भी ले लो कोवेलेंट कंपाउंड के। तो देखो, किन्हीं भी दो को कंपेयर करो, ये मत बोलना कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट है भाई। याद, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन के दो आटम है, ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं होते, यहाँ पर भी दो ही आटम है, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक फ्लोरीन का, एक ऑक्सीजन का, समझे। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि तीन एलिमेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो होते हैं यार, अलग अलग कंपाउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इनकी बात करें, तो जिनका हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और इनका क्या कहना है कि हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही लेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे इनकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में
सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ होता है। तो देखो ऑक्सीजन के राइट में और कौन होता है, सॉरी सॉरी कार्बन के और राइट में कौन होता है, ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो गया, लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन भी नॉन मेटल है, उसका भी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है। तो वो क्या करेंगे, ये ना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये अड़ा हुआ है कि हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही लेंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेंगे, शेयरिंग से अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो, इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।